कोरोना ने पंजाब दे विच विराट रूप धार लिया। जी हाँ, ये असी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटिया दे विच जो आंकड़े सामने आए ने वो दहलाउण वाले ने। 106 मरीजों की मौत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिते ने। 24 घंटिया 106 मौत हुई ने। इन्हां दे विच लुधियाणा दे विच 18 मौत, जलंधर 11, बठिंडा 10 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटिया हुई है। इसी तरह मोहाली विच 9, अमृतसर गुरदासपुर 8-8 मरीजों ने दम तोड़िया। ये हुण तक का सब तो वड्डा आंकड़ा है पिछले 24 घंटिया का मौतों का। तो हुण तक 1618 कोरोना मरीजों की जान पंजाब दे विच जा चुकी है। अज नवे मामले भी जिहड़े आए ने वो फिर 1500 तो वध ने। 1514 नवे मामले दर्ज होए ने, जो कुल मामले ने पंजाब दे विच वो 56,999 हो चुके ने। तो इन्हां विचों एक्टिव मरीज जिन्हां दा इलाज चल रहा है वो 15,629 ने। तो बेहद हैरान करने वाली खबर, बेहद परेशान करने वाली खबर है। पिछले 24 घंटों के जो आंकड़े सामने आए ने वो पिछले सारे रिकॉर्ड जिहड़े ने वो तोड़ रहे ने। मेरे सहयोगी तरलोचन सिंह जी चंडीगढ़ तो नवीन शर्मा लुधियाना तो साडे नाल इस वेले लाइव जुड़ गए हैं। सब तो पहला तरलोचन जी को चलते हैं। तरलोचन जी, पिछले 24 घंटों 106 मौत, कल ही असी देखिया कि रिकॉर्ड आया 59 मौत, सब तो वध सी, उस तो बाद सीधा 106 मौत, ये बेहद डराउण वाली खबर है। बिल्कुल, ये पंजाब लई बड़ी चिंता वाली, बड़ी बुरी ते दिल हिलाऊ खबर है और पंजाब के लोगों नूं सचेत करन वाली खबर है। एक दिन 106 मौत, कल जिवें तुसीं दस्सिया 59 मौत आपां रिकॉर्ड दस्सिया सी, अज उहदे विच 49 होर अंकड़ा जुड़ के 106 मौत होणगियां। बहुत ही चिंता वाली गल है और उस तो भी वड्डी जिहड़ी चिंता वाली गल है, 56,999 टोटल पॉजिटिव केसां विच्चों 1618 व्यक्तियों की मरीजों की मौत होनी। तो पंजाब विच करोना नाल मरन वालियां की जिहड़ी दर है वो 2.84% होनी, बहुत चिंता वाली गल। कल्ले पंजाब लई नहीं, ये शायद भारत सरकार लई भी चिंता वाली गल है क्योंकि पंजाब विच जिहड़ी मौत दर है बहुत तेजी नाल अगे वध रही है। अज जदों पंजाब सेहत विभाग ते पंजाब सरकार दे गलियारियां विच 106 दी फिगर आई ते हंगामी मीटिंगां कीतियां गईयां और फिर एक बार रिव्यू किया जा रहा भी इहदा कारण की है। जो मुख तौर पर गल सामने आ रही है, ये आप जो कल्ली मौतां दी गल करिए ते पंजाब सरकार ते सेहत विभाग जिहड़ा वो इस गल ते खड़ा है भी पंजाब दे लोग किसे ना किसे ढंग नाल करोना तो ज्यादा खौफ विच आ गए ने, अफवाहां विच आ गए ने और हरेक ये जतन करदा भी जे उहनूं किते करोना दा लक्षण आया वो अपने घर पर्दे पिछे बैठ के किसे ना किसे ढंग नाल डंग टपा ले। ते जदों इह करोना जिहड़ी है वो विराट रूप धारदी है किसी व्यक्ति दे अंदर मजबूरी ते जदों हस्पताल जांदा है ते फिर उत्थे हालत जिहड़ी है वो काबू तो बाहर हो जाती है। और इस तो भी अगली गल जो सेहत विभाग के अंकड़े कहिंदे ने, अज की मिति च 440 जिहड़े करोना के मरीज ने वो ऑक्सीजन ते ने और 71 मरीज जिहड़े ने वेंटीलेटर ते ने, 511 मरीज जिहड़े ने उन्हां दी पंजाब विच हालत नाजुक बनी है। और एक याद करा दिए बिल्कुल त्रिलोचन जी, बहुत ज्यादा हैरान करने वाली खबर है, बहुत डराउण वाली खबर है। लुधियाने की असी गल करते हैं, नवीन शर्मा सर नाल जुड़े ने। लुधियाना वो डिस्ट्रिक्ट है जिहड़ी लगातार जिथे सब तो वध मामले हर रोज़ आ रहे हैं, सब तो ज़्यादा मामले इस वेले पंजाब च गल करिए, सब तो वध मौतां दी गल करिए, आंकड़िया की गल करिए, तो लुधियाना ही जिहड़ा डरा रहा है। नवीन, कल भी 18 मौतां लुधियाना विच दर्ज हुई, अज भी हुई, मामले असी देखते हैं हर रोज़ 200 तो वध ही आ रहे हैं। लुधियाना ही क्यों ये वड्डा एक सेंटर बनता जा रहा है जिथे करोना सब तो ज़्यादा प्रकोप दिखा रहा है। देखो बलविंदर, पापुलेशन दे विच सब तो ज़्यादा सारा पूरे पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा गिनती जिहड़ी है लोगों के रहिंदी लुधियाना विच है क्योंकि 50 लाख तो उपर आबादी है और इंडस्ट्री पूरी तरह खुल चुकी है। कई बाजार ने लुधियाना दे विच 50 तो उत्ते गिनती है बाजारा की क्योंकि शाम नूं चाहे करफ्यू लग जाता सवेर तो 5 बजे तक पर जिहड़ा सारा दिन ट्रैफिक नज़र आती है लुधियाना की सड़कों के उत्ते, चाहे वह हस्पताल ने प्राइवेट चाहे वह सरकारी हस्पताल है। यही कारण है कि लुधियाना दे विच लगातार जिहड़ी गिनती है वह बढ़ रही है। हुणे हुणे बुलेटिन लुधियाना का जारी होया
और लुधियाना दे विच अगर लुधियाना की गल करिए अज 20 मौतां ने टोटल 20 मौतां ने कुल और 196 जिहड़े मामले ने वह नवे आए ने लुधियाना नाल संबंधित ते हुण जिहड़ा आंकड़ा कोरोना वायरस का वह 10,632 हो चुकिया ते मरन वाले की गिनती बलविंदर लुधियाना दे विच सिर्फ लुधियाना दे विच 500 हो चुकी है लुधियाना दे विच और ये जिहड़े आंकड़े ने काफ़ी चिंता बढ़ा रहे हैं खास कर लुधियाना वास्ते क्योंकि लुधियाना दे विच जिहड़ी तुहाडे तों ऐड करवाउणा चाहूँगा जो तुसीं कहा कि सब तो वध इत्थे पॉपूलेशन है डेंसिटी ऑफ पॉपूलेशन सब तो वध केस आ रहे हैं सेहत सहूलतों के की हालात ने किन्ने वेंटीलेटर ने इत्थे किन्निया जिहड़ियां लोगों के लिए सहूलत है सरकारी तौर के उपर प्राइवेट की गल नहीं करूँगा मैं सरकारी तौर पर की सहूलत है लोगों लिए इत्थे देखो सरकारी तौर के उत्ते असी ग्राउंड जीरो तो हर बार रिपोर्टा दिखाईया ने जिहड़ा सेहत विभाग है लुधियाना दे विच बिल्कुल फेल साबित हो रहा पहली गल तो है बलविंदर करोना का जिहड़ा कहर है पिछले 4-5 महीनों तो वह काफ़ी पंजाब दे विच नहीं पूरी दुनिया में घातक सिद्ध होया क्योंकि कई लोगों की मौत हुई है सो पंजाब के हालात जिहड़े ने वह जग जाहिर है और लुधियाना दे विच खासकर क्योंकि सेहत विभाग की ड्यूटी है लोगों नूं जागरूक करना जागरूक इस करके करना कि जिहड़े लोग हजे भी घर जिहड़े बैठे ने क्योंकि असी लगातार ग्राउंड जीरो तो कहने कि बाहर ना निकलो भीड़ भाड़ वाले इलाकों ना निकलो जरूरी काम हो ही निकलो पर जिहड़ा करोना के टैसट है वो गिनती जिहड़ी है लुधियाना दे विच उस हिसाब नाल नहीं हो रही जिस हिसाब नाल पापूलेशन है लुधियाना की सो ये सेहत विभाग नूं जागरूक करना पवेगा सेहत विभाग लगातार जिहड़ा है उन्हां नूं हर इलाके दे विच जाना पवेगा क्योंकि 20 दे करीब कंटेनमेंट जिहड़े ने वो जोन लुधियाना दे विच क्योंकि कई इलाके सील है कोई ऐसा इलाका लुधियाना विच बचे नहीं जिथे मरीज ना सामने आए होन क्योंकि जिस तरह के नाल मौतां लुधियाना दे विच सब तो वध है करोना वायरस के मरीज सब तो वध है किधर ना किधर ये सवाल जिहड़े ने सेहत विभाग से बेहद जी है सरकार के लिए सेहत विभाग लिए भी बहुत ज्यादा संभलन की लड़ है त्रिलोचन जी एक जी इस जो कारण की गल करिए असं देखते पे हाँ पिछले कई दिनों तो लोग सेहत विभाग का बाइकाट कर रहे वो कह रहे असं टैसट नहीं करावे कल मुख्यमंत्री भी अपना एक ऑडियो संदेश जारी करना पाया कह रहे कि तुम जो जल्दी लक्षणों पछाण लाओगे तोड़े लिए भलाई है ये असं तुहाडे लिए सब कुछ कर रहे हैं ये कितने कमी रह रही है जागरूकता की कमी है सेहत सहूलतों की कमी है जां लोक जड़े ने वो लापरवाह ने किस दे लई जिम्मेवार किसनों ठहराया जा रहा बलविंदर जी ये जिहड़ी बीमारी है महामारी है करोना ये दो पार्ट ने बचन दे एक तो यह है भी लोगों नूं वध तों वध अवेयर किया जाए सुचेत किया जाए दूसरा ये भी तुरंत टैसट होण ते जे उन्हां नूं घरां च आइसोलेट करना जां हस्पताल लैके जाना उत्थे उन्हां दा प्रबंध किया जाए तीसरी सरकार की बहुत वड्डी जिम्मेवारी है जिहड़ा भय आ डर आ जां जिहड़ियां अफवाहां ने उन्हां नूं तुरंत खत्म किया जाए बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा भी शायद तीन नुक्ते जिहड़े ने बड़े सधारण सी इहदे लई किसे पैसे की लोड़ नहीं सी बहुती जहरी इहदे लई कोई होर कुछ करन की लोड़ नहीं सिर्फ पंजाब सरकार नू अजिहियां टीमां अजिहे माहर सारिया पार्टिया के संगठनों दीआं कमेटियां बनाउणियां चाहीदियां सी जिहड़ी जिहड़े लोकां अगे जाके कहिंदे ये बीमारी का फ्री इलाज है मास्क पा लो शरीरक विथ रख लो भीड़ च ना जाओ बार बार हाथ धोलो करोना तुहाडे नेड़े नहीं आएगी होया कि इहदे उल्ट हो गया ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਘੁੰਮੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ कि इस बीमारी जी है तुहाडे तो भी फैल सकती है ये समझण की लोड़ है इस तो अवेयर होने की लड़ है बहुत आंकड़े जोड़े आ रहे हैं बहुत डरा रहे हैं इस करके लोगों को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा लड़ है बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा त्रिलोचन जी और नवीन जी इस सारी जानकारी दे तो असं आंकड़े की गल कर रहे हैं इस वे जो 15,629 मरीज ने कि जिले ने तुम दिखा रहे हैं कपूरथला 415 नवांशहर 150 फतेहगढ़ साहब 238 फरीदकोट 604 मुक्तसर साहब 378 तरन तारण 199 इस तरह मोगा 623 फाजिलका 370 पठानकोट 421
मानसा च 242, संगरूर च 312, लुधियाना च 2108। तुसीं देख सकदे हो किन्ने ज़्यादा फर्क है बाकी ज़िलों नालों। रोपड़ च 318 ते इस तरह अमृतसर दे विच 785, मोहाली विच 1895, जलंधर दे विच 2387 एक्टिव मरीज ने जिहड़े नाल दा इलाज इस वेले चल रहा है। इस तरह हुशियारपुर च 340, गुरदासपुर च 801 एक्टिव मरीज़ ने जिन्हों का इलाज इस वेले चल रहा है।